आज हम बनाते हैं ये कैरमल फ्रूट केक जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें हम एसेंस डालेंगे बटर स्कॉच। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये केक बहुत ही टेस्टी होता है और हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ऑरेंज जूस लिया है 1/2 कप और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ मिला देंगे। ये आपके पास जो भी है आप मिला दीजिए। हमने इसमें काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट ये सब मिक्स कर दिया है और इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। और अब हम शुगर को कैरमलाइज करेंगे। तो इसमें आप बहुत ध्यान रखिएगा, चीनी हमने 1 कप लिया है और इसको ऐसे फैला करके हम छोड़ देंगे पैन में, स्लो फ्लेम है, और इसको हम पिघलने देते हैं। तो धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगेगा, तो थोड़ा सा चला देंगे और फिर इसको फैला करके छोड़ेंगे। अभी देखिए ये आधा से ज़्यादा इसमें जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसको चलाएंगे और कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। स्लो फ्लेम पे ही करिए आप ये। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इसमें हम पानी डालेंगे। धीरे धीरे करके हम 1/2 कप पानी जो है इसमें डाल देंगे। बहुत धीरे धीरे आप डालिए और चलाते रहिए। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस ऑन करके, तो वो ऐसा लिक्विड सिरप बन के तैयार हो जाएगा। अभी हम प्री हीट कर लेते हैं कढ़ाई। और इसमें हमने डाला है नमक जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं, इसलिए कलर इसका चेंज हो गया है। इसको ढक करके हम प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। और शुगर सिरप जो है हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 कप ऑयल और 1/4 कप मिल्क। इसको मिक्स कर लेते हैं और अपना हम सिरप जो है कैरमलाइज्ड उसको हम डाल लेते हैं, इसमें मिक्स कर लेंगे। जो अंडा खाते हैं वो यहाँ पे 1 अंडा डाल सकते हैं दूध के बदले। और अब हम छान लेते हैं अपना मैदा। 1 कप मैदा है, इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। 1 पिंच सॉल्ट डालेंगे हम और छान लेते हैं। हमने अपने शुगर को कैरमलाइज किया है, उसकी वजह से कलर बहुत ही अच्छा आएगा केक का और खुशबू भी उसमें बहुत ही अच्छी होती है। और अब हम मैदे को थोड़ा थोड़ा डाल करके इसमें फोल्ड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है हमें, बस मिक्स करना है इसमें। ये सारा हमने मिक्स कर लिया है। आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे आप इसको 35-40 मिनट्स के लिए कर लीजिए। बटर स्कॉच एसेंस है ये 1/4 टीस्पून हम डालेंगे। ये आपके पास नहीं है तो आप वनीला डाल लीजिए। इसका टेस्ट जो फ्लेवर है बटर स्कॉच का बहुत ही अच्छा आता है, वनीला भी अच्छा रहेगा। और अब हम इसमें अपना जो मिक्स करके रखा हुआ था हम लोगों ने ये ऑरेंज जूस में ड्राई फ्रूट्स, उसको हम डाल लेते हैं और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से मिक्स करिए इसको। और एक टिन को हमने ग्रीस करके रखा हुआ है, इसमें हम डाल लेंगे अपना बैटर। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी डाल लेंगे। इस नमक के ऊपर हम रखते हैं एक जाली, इसके ऊपर रखेंगे अपना बैटर को। और इस पर डाल लेते हैं हम टूटी फ्रूटी डाल लेंगे। अंदर भी आप डालना चाहें तो टूटी फ्रूटी डाल लीजिए। और इसको ढक करके ढक्कन बिल्कुल बराबर जो लगता है वही लगाइएगा आप। और 35 से 40 मिनट लगेगा, ये 40 मिनट्स हुआ है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हमारा जो तिनका है वो निकला है। ये स्लो फ्लेम पे हम करेंगे बेक, आप स्लो फ्लेम पे करिएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको अब हम कट करके दिखाएंगे। आप ठंडा होने के बाद कट कीजिए तो पीसेस जो हैं बहुत ही अच्छे कटते हैं केक को ठंडा होने के बाद।
ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।